नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट्स टाइम में। फ्रेंड्स, आज हम सैर करने वाले हैं साउथ ईस्ट एशिया के एक बहुत ही सुंदर देश वियतनाम की। वियतनाम जिसका ऑफिशियल नेम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है, जिसका नाम माइंड में आते ही पार्टीज, बीचेस, सस्ती शराब और हसीन वियतनामी परियों की याद आने लगती है, जिसके बारे में फेमस है कि अगर किसी ने कम पैसों में थाईलैंड का मज़ा लेना हो तो वो वियतनाम चला जाए, जहां पर थाई परियों की जगह वियतनामी परियां मन चलों के मन बहलाने का काम करती हैं। बैंकॉक की जगह आपको होचीमिन सिटी देखने को मिलेगा। पटाया की जगह आपको लव मार्केट में रंगारंग नज़ारे देखने को मिलेंगे। यही नहीं, वियतनाम की गिनती अब धीरे धीरे एशियन टाइगर की लिस्ट में भी होने लग चुकी है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर वियतनाम का ग्रोथ रेट अगले चंद वर्षों तक यही रहा तो वियतनाम सिंगापुर से भी आगे निकल जाएगा, जहां पर 90% जनसंख्या मोटर बाइक का यूज़ करती है। इस देश में एक ऐसा गांव भी स्थित है जिसके नागरिकों ने आज तक धरती पर पाँव भी नहीं रखा। एक शख्स जिसने 35 साल से नाखून नहीं काटे और नहाया नहीं है, इसी देश का ही एक नागरिक है। इस देश में एक वाइट सी वाइन भी तैयार की जाती है जिसको स्नेक वाइन का नाम दिया जाता है, जिसमें चावलों की वाइन को एक सांप के साथ एक बोतल में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद इसमें से सांप को निकालकर वाइन पी ली जाती है। इस देश में एक बाज़ार लव मार्केट के नाम से बेहद फेमस है, जहां पर हर सैटरडे की रात बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और रंगारंग नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस देश में जिस्म फरोशी एक गैर कानूनी काम है, लेकिन फिर भी 72,000 के करीब महिलाएँ इस धंधे में मुलविस हैं। एक अमेजिंग बात यह कि इस देश में 25% जनसंख्या सिगरेट नोशी करती है, जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। फ्रेंड्स, यही नहीं, आज हम आप लोगों को वियतनाम की बहुत सी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि आप कैसे 18,000 रुपयों में वियतनाम का एक सुंदर सा टूर अरेंज कर सकते हैं और आप भी जाएं और वहां जाकर सस्ती शराब और हसीन वियतनामी परियों के मज़े लें। इससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट्स टाइम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे हमारी आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, इस देश के अगर बॉर्डर्स की बात की जाए तो इस देश के उत्तर में चाइना, पश्चिम में लाओस और कम्बोडिया, जबकि समुद्री सीमाएँ थाईलैंड, फिलिपाइन, मलेशिया और इंडोनेशिया से जुड़ी हुई हैं। फ्रेंड्स, चाइनीज़, जापानी, फ्रांसीसी और अमेरिकी कल्चर के मिक्सचर से तैयार होने वाली इस राष्ट्र के अगर धर्मों की बात की जाए तो इस देश में 73.2% लोग फोल्क धर्म का पालन करते हैं, 12.2% लोग बुद्धिज़्म के पैरोकार हैं, 8.3% लोग यहाँ क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं और बाकी 5% लोग यहाँ कई पुराने धर्मों का पालन करते हैं। वियतनाम के अगर अमेजिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो इस देश में कुत्तों और बिल्लियों का मांस खाया जाता है और जिस तरह हम अपने घरों में जानवरों को पालते हैं, इसी तरह ये लोग अपने घरों में कुत्तों और बिल्लियों को पालते हैं। इस देश में लोग कछुए को गुड लक का सिंबल समझते हैं। लोग अपने घरों में कछुओं को पालते हैं। उन लोगों का मानना है कि कछुए लंबी उम्र पाते हैं और इनको पालने वालों की भी लंबी उम्र होगी। वियतनाम में एक गाँव शिपिंग विलेज के नाम से बेहद फेमस है, जो पानी के ऊपर तैर रहा है। इस विलेज के रहने वाले बहुत से अफराद ने आज तक धरती पर पाँव भी नहीं रखा। इस देश में लोग कारों से ज़्यादा मोटरबाइक का यूज़ करना लाइक करते हैं। 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस देश में 37 मिलियन से भी अधिक मोटरबाइक रजिस्टर्ड थीं। ब्राज़ील के बाद वियतनाम दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी की उत्पादन करने वाला देश है, जो इस संसार की कुल कॉफ़ी का 16% तैयार करता है। अगर वियतनाम की जनसंख्या की बात की जाए तो वियतनाम की कुल जनसंख्या 90,70,40,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो जनसंख्या के लिहाज से एशिया का 9वां और इस संसार में 15वें नंबर पर आता है। वियतनाम इस संसार में काजू और काली मिर्च का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जबकि चावल का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर भी है। खमनत वियतनाम का पहला ऐसा नागरिक है जो इस संसार के 200 रिचेस्ट पर्सन में से एक है, जिसकी टोटल वेल्थ 8 बिलियन US डॉलर है और ये वी ग्रुप के ऑनर भी हैं। इस मॉडर्न क्षेत्र में टूरिज्म और स्पोर्ट्स दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी देश को प्रोग्रेस की बुलंदियों तक ले जाती है और इस देश में भी हर साल 10 बिलियन से भी अधिक टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, जिनमें धीरे धीरे इजाफा होता चला जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण वियतनाम में स्थित गोल्डन ब्रिज है।
जो ना सिर्फ वियतनाम में बल्कि पूरी वर्ल्ड में बेहद फेमस है। इस ब्रिज पे जाके ऐसा फील होता है कि इस ब्रिज को किसी ने अपने हाथों पे उठा रखा हो और आप इसके ऊपर चल रहे हों, और बहुत से टूरिस्ट इस ब्रिज की सैर करने के लिए आते हैं। वियतनाम की अगर एरिया की बात की जाए तो वियतनाम का कुल एरिया 331,212 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें एरिया के लिहाज से इस देश की गिनती इस संसार में 35वें नंबर पर होती है। इस देश में यूज होने वाली करेंसी को डोंग कहा जाता है, जो भारतीय करेंसी के मुकाबले में काफ़ी लो है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप वियतनाम में एक भारतीय रुपया देंगे तो बदले में आपको 333 वियतनामी डोंग मिलेंगे और एक डॉलर के बदले में 20,000 से अधिक वियतनामी डोंग आएंगे। फ्रेंड्स, भारत देश से 3,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वियतनाम के अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम के लिहाज से वियतनाम भारत देश से 1.5 घंटा आगे है। स्पार्क टकरा इस देश में सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली खेल है। इसके अलावा फुटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस और मार्शल आर्ट्स भी बड़े शौक से खेली जाती हैं। इस देश में रहने वालों की एवरेज लाइफ 73 ईयर मानी जाती है। अगर इस देश में एक्सपोर्ट की बात की जाए तो वियतनाम पर ईयर 200 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है, जिसमें चावल, काजू, काफ़ी, कपड़ा, खाम तेल और मशीनरी की चीज़ें शामिल हैं। वियतनाम का खाना चीनी और थाई स्टाइल का होता है, जिसे ये हेल्दी फूड समझते हैं, जिसमें इसकी ताज़ा जड़ी बूटियों, समुद्री गिजाएँ, फलों और सब्जियों के साथ साथ मछली की चटनी, केकड़े, सोया सॉस और चावल शामिल होते हैं। वाटर बिफेलो को इस देश का नेशनल एनिमल माना जाता है। चाम को वियतनाम का नेशनल बर्ड माना जाता है। बांस को वियतनाम का नेशनल ट्री होने का सम्मान हासिल है। लोटस के फूल को वियतनाम के नेशनल फ्लावर माना जाता है। वियतनाम का कॉलिंग कोड +84 और डोमेन नेम .vt है। फ्रेंड्स, अगर वियतनाम के वीज़े की बात की जाए तो वियतनाम दो तरह के वीज़े प्रोवाइड करता है, जिसमें एक वीज़ा ऑन अराइवल विद अप्रूवल लेटर और दूसरा टूरिस्ट वीज़ा। फ्रेंड्स, मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप टूरिस्ट वीज़े पे वियतनाम जाएं, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा आपको किसी भी वियतनामी एम्बेसी से आसानी से मिल जाएगा। इससे आपको पैसे भी बचेंगे और समय भी। इस तरह आप महज 18,000 रुपयों में वियतनाम का एक सुंदर सा टूर अरेंज कर सकते हैं। इस देश की अगर राजधानी की बात की जाए तो इस देश की राजधानी हनोई है, जिसको स्टार्ट में थंग लंग के नाम से जाना जाता था, और सबसे बड़े सिटी होने का सम्मान होचीमिन सिटी को हासिल है। वियतनाम में स्थित हाईलोंग नामी झील इस संसार में मौजूद 7 कुदरती अजूबों में से एक है, जिसकी सुंदरता और सुंदर नज़ारे दिलों को छू लेते हैं। इस देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा वियतनामी है। फ्रेंड्स, ये तो थी वियतनाम के बारे में एक सुंदर सी जानकारी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वियतनाम की कौन सी बात अच्छी लगी। मिलेंगे किसी नए देश की जानकारी के साथ। अपने इस दोस्त विक्की को दीजिए अनुमति।